आज फिर हम मिल रहे हैं एक और नए चैप्टर के साथ, और चैप्टर का नाम है थर्मोडायनामिक्स। काफी अच्छा चैप्टर है, आप सबको थोड़ा थोड़ा डर लगता है ना। चलो छोड़ो, इस डर को ही भगाना चाहता हूँ, तो एक क्विक रीजन करते हैं और साथ में कुछ अच्छे एक्साइटमेंट और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको जो केमिकल काइनेटिक्स बताया था, वो आपको कैसा लगा आप अच्छे से कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करिए, अच्छे अच्छे करिए, और थर्मोडायनामिक्स के लिए भी अच्छे से कमेंट्स एंड शेयर एंड लाइक्स प्लीज। ये मुझे एनर्जी देते हैं, जिससे मैं और ज्यादा एनर्जी के साथ आपको और अच्छे अच्छे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। फिलहाल तो एक और नए चैप्टर थर्मोडायनामिक्स के साथ। तो ये थर्मोडायनामिक्स में आप सारे फॉर्मूले और किस तरह से ये फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और किस तरह से इसका यूज किया जा सकता है क्वेश्चंस में, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब पे हम बात करते जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो चलिए आए अपन देखते हैं। चल हाँ, तो दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स एक बेसिक रिविजन के तौर पर हम देख रहे हैं और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है। तीन चार क्वेश्चन इसमें से हर साल भले मेंस हो या नीट हो या एडवांस हो आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको समझते हैं क्या है। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स क्या पढ़ते हैं इसके अंदर, हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट, समझना, ट्रांसफर ऑफ हीट, और फॉर्मेशन ऑफ हीट हम पढ़ते हैं किसमें, थर्मोकेमिस्ट्री में। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफर ऑफ हीट, और कौन सी बेसिक टर्म्स है जो हमारे को इस चैप्टर में देखने को मिलेगी, चलिए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है नॉर्मल स्टडी ऑफ हीट एंड वर्क इंटरेक्शंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिल्कुल इसी का पार्ट है। माइक्रोस्कोपिक साइंस हमारे पास है, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स लॉज आर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, बिल्कुल है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, बहुत सारे केमिकल लॉज नहीं है लेकिन थर्मोडायनेमिक्स क्या है। इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंसल्टेशन कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंपॉर्टेंट्स क्या है। सिस्टम, सिस्टम आप जानते हैं वो, इट इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच यू चूज फॉर एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सिस्टम, एंड अनदर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। नेक्स्ट बाउंड्री, बाउंड्री इज द जस्ट थिन लेयर विच सेपरेट्स फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, इज कॉल्ड बाउंड्री। वॉल, ए रियल बाउंड्री, रिजिड वॉल हो सकता है, नॉन रिजिड वॉल होता है, एडियाबेटिक वॉल हो सकता है, डायथर्मिक वॉल्स हो सकता है। तो रिजिड वॉल क्या होता है, जिसके अंदर रिजिड का मतलब हो गया वॉल्यूम आप चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल फिक्स हो गया, जैसे घर का गैस सिलेंडर आप देख सकते हैं। दूसरा नॉन रिजिड वॉल, आप बैलून देख सकते हैं, ट्यूब टायर देख सकते हैं, ये नॉन रिजिड वॉल्स में आ जाता है। एडियाबैटिक वॉल, इंसुलेटिंग होता है, ना आप हीट अंदर जा सकती है ना बाहर आ सकती है, तो आप आराम से आपके घर में थर्मस देख सकते हैं इसके लिए। और डाई थर्मिक वॉल्स, नॉन इंसुलेटिंग वॉल, जनरली ये नॉन इंसुलेटिंग वॉल ही हो सकती है, जैसे आप प्रेशर कुकर के अंदर देख सकते हो। अब नेक्स्ट, स्टेट वेरिएबल, स्टेट एंड पाथ वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल आप जानती हैं वो वेरिएबल जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हो, पाथ से कोई लेना देना नहीं है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, आपका यहाँ से घर पे जाने का डिस्प्लेसमेंट फिक्स होगा लेकिन डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है, आप किसी फ्रेंड के यहाँ मिलते हुए जा रहे, डिस्टेंस बढ़ गई लेकिन डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा, घर और ऑफिस के बीच की डिस्टेंस, इज दैट क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट आपके लिए क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा, लेकिन जो डिस्टेंस है वो आपके लिए क्या हो जाएगी, पाथ फंक्शन हो जाएगा, इज दैट क्लियर। तो पाथ फंक्शन का मतलब हो गया द फंक्शन विच डिपेंड इनिशियल फाइनल पॉइंट्स एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पाथ ऑफ प्रोसेस, इज दैट क्लियर। तो फाइनली हमारे पास ये दोनों हो गया, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ सिस्टम, कंडीशन डिफाइंड बाय फिक्स्ड वैल्यू ऑफ स्टेट वेरिएबल्स, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम अगर किसी पॉइंट पे बताते हैं तो वो स्टेट फंक्शंस आपके पास हो रहे हैं, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आगे हम इसको और देखते हैं, देखिएगा ध्यान से, स्टेट ऑफ सिस्टम, आप सिस्टम से मतलब वही है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को बताना किसी पॉइंट पे। स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, और मतलब थर्मोडायनेमिक, देखो इक्विलिब्रियम हर जगह नहीं होता, इक्विलिब्रियम तभी होता है जब हीट का ट्रांसफर ना हो, और उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी जनरली ऐसा तभी बोल सकते हैं जब दोनों ही सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर क्या हो, आपको सेम देखने को मिले। चलिए एग्जाम्पल्स हमारे पास हो गया, इसके अलावा हम बात करते हैं एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव नाम से पता चल रहा है, डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी। देखिए मास है, जितना ज़्यादा पार्टिकल्स लेंगे, क्वांटिटी जितनी ज़्यादा लेंगे, मास वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होगा, लेकिन कितना ही मास ले लें आप, कितना ही क्वांटिटी ले लें, डेंसिटी आपके लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो डेंसिटी आपके लिए क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो आपके लिए आराम से आप बता सकते हो, फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इन पॉइंट का ध्यान में रखते हुए आप आराम से बता सकते हो कि इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है। आप एक मतलब मकान ऐसा सोचिए जहां पर दो रूम है, दोनों रूम के बीच में दरवाजा है, दोनों तरफ सेम प्रॉपर्टी रखी है, दरवाजा खोलती है क्या वो प्रॉपर्टी बढ़ती है, तो एक्सटेंसिव अगर सेम रहती है तो वो
इंटेंसिव सेम रहती है तो इंटेंसिव। फॉर एग्जांपल दोनों ही तरफ एक एक मतलब लीटर का वॉल्यूम है सपोज, तो जैसे दरवाजा खोलेंगे टोटल वॉल्यूम क्या हो गया 2 लीटर्स, इसका मतलब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दोनों ही तरफ अगर 300 केल्विन है दरवाजा खोला सपोज, वो कितना रहेगा, वो 300 ही रहेगा टेम्परेचर, तो इसका मतलब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रेशर 1 atm 1 atm सेम रह रहा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये एक बहुत ही तरीका है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटेंसिव होती है एक्सटेंसिव होती है। एक्सटेंसिव में एक बार पूरा बोल देता हूँ, तो देखिए मास वॉल्यूम क्वांटिटी से रिलेटेड हमारे जितनी भी है, एंथैल्पी चेंज इंटरनल एनर्जी चेंज ये मोल पार्टिकल्स नंबर ऑफ, ये सब हमारे लिए क्या है एक्सटेंसिव। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा क्या होगा इंटेंसिव। जैसे मोलर मास, मोलर एंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी, ये सब हमारे लिए क्या हो जाएगी इंटेंसिव। इलेक्ट्रिक वो ईएमएफ ऑफ सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। एक और जहां कंफ्यूजन होता है, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव है। तो जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उनके साथ मोलर नहीं वर्ड लगता, इंटेंसिव के साथ मोलर लग जाता है। वॉल्यूम एक्सटेंसिव, मोलर वॉल्यूम इंटेंसिव, इज दैट क्लियर। तो चलिए ये छोटा सा हुआ पॉइंट, इसके अलावा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होते हैं, हीट एंड वर्क। वर्क तो आप जानते हैं कि वर्क का मतलब हमारे लिए ही होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। हीट क्या है, हीट इज द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम और सिस्टम टू सराउंडिंग इन फॉर्म ऑफ, आप जानते हैं किस फॉर्म में, रेडिएशन कन्वेक्शन या कंडेंसेशन। तो ये हमारे पास हीट हो गया, यानी हीट एंड वर्क दोनों में क्या है, दोनों ही आपके लिए एनर्जीज हैं। यानी एनर्जी को हीट बोल सकते हैं नहीं, लेकिन हीट को एनर्जी बोल सकते हैं हाँ, वर्क को एनर्जी बोल सकते हैं हाँ, लेकिन एनर्जी को वर्क बोल सकते हैं नहीं, कुछ भी हो सकता है, वो वर्क भी हो सकता है हीट भी हो सकता है। तो दोनों ही एनर्जीज के टाइप हैं और दोनों की यूनिट वही जूल कैलोरी अर्ग वगैरह वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है। अब यूनिट्स के लिए मेरा दूसरा लेक्चर भी देख सकते हैं जो कि मैंने बहुत ही अच्छा बनाया यूनिट्स का, आप मेरे चैनल पे देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना करिएगा, भूलिएगा मत बिल्कुल। अब बात करते हैं हम द फर्स्ट लॉ, यानी ये हमारे को ये बताता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एनर्जी इज द कंजर्वेशन क्वांटिटी, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बस जस्ट इट कन्वर्ट वन टू अनादर टाइप्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल हीट कन्वर्ट इन वर्क, वर्क कन्वर्ट इन हीट, और इसी तरह से हमारे को ये चीज बता रहा है। एक और एनर्जी है जिसे हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का मतलब हो गया ऑल द एनर्जीज विच आर रिलेटेड टू सब्सटेंस ऑफ सिस्टम, यानी किसी भी सिस्टम के अंदर जो सब्सटेंस है वो लिक्विड सॉलिड गैस, उसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व है वो सब आपके लिए क्या होगी इंटरनल एनर्जी होगी, इज दैट क्लियर। और जो एनर्जी बाहर से है सिस्टम के सब्सटेंस की नहीं है वो आपके लिए क्या हो जाएगी एक्सटर्नल एनर्जी, इज दैट क्लियर। तो यही ऐसे समझ लीजिए, जो मेरे पास अपने पास खुद का पैसा है वो मेरी इंटरनल एनर्जी, लेकिन अगर मैं उधार कितना ले सकता हूँ मुझे नहीं मालूम, वो मेरे लिए एक्सटर्नल एनर्जी का काम करेगा, तो मैं नहीं लूँ तो अच्छा है। फिलहाल वापस इधर आते कि हमारे लिए एनर्जीज इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे लिए क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि जो भी इंटरनल एनर्जी में चेंजेज आ रहा है, जो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है वो दोनों के समीशन के इक्वल आएगा, जितनी हीट दी है जितना वर्क हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें सिर्फ तीन ही तरह की एनर्जी इन्वॉल्व की है, एक इंटरनल एनर्जी, एक वर्क और एक हीट। इसके अलावा भी बहुत सारी एनर्जीज होती है, भले ही वो न्यूक्लियर एनर्जी हो, भले ही वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, मैंने उनकी बात नहीं की है क्योंकि हमारा चैप्टर सिस्टमैटिक है, हम बहुत ज़्यादा बीटेक या कुछ इंजीनियरिंग कोर्सेज नहीं कर रहे हैं, तो हम तीन एनर्जी में ही आपस में एक दूसरे को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर ज़्यादा एनर्जी लेंगे तो वो भी यहाँ पर साथ के साथ ऐड होती चली जाएगी, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक और जो भी दुनिया भर की एनर्जीज आप ग्रेविटी एनर्जीज लगाना चाहते हैं ऐड करते जाओ, आपका चैप्टर बढ़ा दो, पहले ही बड़ा मुश्किल से ये समझ में आता है। तो चलिए आगे क्या कर रहे हैं हम, तो यहाँ हमारे पास डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। कुछ राइटर बुक्स साइंटिस्ट डेल्टा ई को डेल्टा यू को डेल्टा ई भी लिखते हैं या डेल्टा ई को डेल्टा यू भी, आप कंफ्यूज मत होइएगा, यू भी इंटरनल एनर्जी को बताता है, ई भी इंटरनल एनर्जी को बताता है, तो ठीक है हमारे लिए यू हो या ई हो हमें उससे क्या लेना, हमें पढ़ना है मार्क्स से मतलब है हमें। तो डेल्टा यू इंक्रीजेस और मतलब टोटल मिला के चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, अगर इंक्रीज हो रहा है डेल्टा यू तो का साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और डिक्रीज हो रही है इंटरनल एनर्जी तो डेल्टा यू नेगेटिव, सीधा सा है। वर्क में मैं डेल्टा डब्ल्यू वगैरह नहीं यूज करूंगा, वर्क क्या शो कर रहा है ध्यान से सुनिएगा, अगर सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और वर्क डन बाय सिस्टम हो जाएगा नेगेटिव। इसी तरह से हीट है, हीट सिस्टम को दे रहे हो पॉजिटिव,
सिस्टम दे रहा है नेगेटिव, तो वो सारी एनर्जी जो सिस्टम को मिल रही है पॉजिटिव, सिस्टम दे रहा है नेगेटिव देखना है, इज दैट क्लियर। तो डेल्टा ई इक्वल टू ऑल द एनर्जीज, समेशन ऑफ ऑल द एनर्जीज, एंड साइन मैंने बताई दिया, अगर सिस्टम को मिल रही है पॉजिटिव, सिस्टम दे रहा है नेगेटिव, इस तरह की अप्रोच के साथ हम करेंगे। नेक्स्ट, तो इन द साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस की खास बात मैं बता देता हूँ आपको कि इनिशियल और फाइनल स्टेज आपके पास सेम होती है, यानी कि पूरा जहाँ से आप चले वहीं आ गए, यानी कि इनिशियल फाइनल टेम्परेचर प्रेशर वैल्यू वॉल्यूम सब क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे, इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, देन प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए आपको बताना चाहूँगा मैं, क्योंकि सब चीज़ें वहीं पहुँच गए तो नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी आपके लिए, जीरो। और यही नहीं, सारे स्टेट फंक्शन क्या हो जाएंगे, जीरो। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब डेल्टा यू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ डेल्टा यू जीरो, और डेल्टा यू जीरो हो जाएगा तो सभी प्रोसेस में जो हीट और वर्क हुआ है उन सबका समेशन करते जाओ तो आपको क्या मिल जाएगा, जीरो। इज दैट क्लियर? तो मैंने यहाँ यही बताया कि इन द साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू, समेशन ऑफ डेल्टा यू, भले वो साइक्लिक प्रोसेस एक ही स्टेप में हुआ या मल्टीपल स्टेप में हुआ, इज जीरो, एंड इट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ क्यू प्लस डब्ल्यू इन ऑल इंडिविजुअल प्रोसेस, एंड इट इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, आप इनको सेपरेट भी लिख सकते हैं, एक साथ भी अंदर ऐड करके लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसको सही करें। अच्छा, तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर साइक्लिक प्रोसेस है और मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि क्यू और डब्ल्यू का समेशन जीरो होता है, इसका मतलब क्यू और डब्ल्यू एक दूसरे के मैग्नीट्यूड के बराबर होंगे, लेकिन उनके साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो आपको ये चीज़ आना चाहिए कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्यू और डब्ल्यू एक दूसरे के मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं लेकिन साइन वाइज अपोजिट होते हैं। चलिए ठीक, टू स्टेट्स वन एंड टू आर कनेक्टेड बाय एन पाथ इन्वॉल्विंग क्यू वन एंड क्यू टू हीट वर्क रिस्पेक्टिवली, देन क्या बोल रहा है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वन प्लस डब्ल्यू वन। इसको समझना है, देखिए ध्यान से, आप मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या दिया जा रहा है, बहुत सारे पाथ हैं, एक दो तीन चार, तो यहाँ ए से लेके आप कहाँ तक जा रहे हैं, बी सी डी ई, और आपसे इन दोनों के बीच में पूछा जा रहा है डेल्टा यू क्या होगा। तो ऐसे प्रोसेस जो कि साइक्लिक नहीं है और आपको दो फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स के बीच में बताना है, तो यहाँ पर Q1 W1, Q2 W2, Q3 W3 और Q4 W4, इन सबका समेशन निकाल के ऐड करना है और फिर आपके पास इन दोनों के बीच में W डेल्टा U आ जाएगा। इज दैट क्लियर? समझिएगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, स्टेट फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो कुछ और भी हमारे पास आ रहे हैं कि स्टेट फंक्शन एक और नया आ रहा है, वो है H इक्वल टू यू प्लस पी वी। ध्यान से सुनिएगा, U क्या है, इंटरनल एनर्जी, और पी वी क्या है, एक्सटर्नल एनर्जी। यहाँ जो प्रेशर है वो बाहर का है, तो बाहर के प्रेशर से जो एनर्जी जनरेट होगी वो क्या होगी, एक्सटर्नल। तो एक तरह से इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल एनर्जी क्या कहलाएगी, टोटल एनर्जी, या फिर उसको क्या बोलेंगे हम, एंथैल्पी। एंथैल्पी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, H से। तो H इक्वल टू यू प्लस पी वी। इज दैट क्लियर? PV इज नॉट ए वर्क, PV इज द एक्सटर्नल एनर्जी, जिसका मतलब होता है प्रेशर वॉल्यूम एनर्जीज। तो हम जब डेल्टा H लिखते हैं तो हमारे लिए डेल्टा U प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन हो जाता है। जनरली हम ऐसा देखते हैं कि प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है, तो इसको हम पी डेल्टा V लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, पी डेल्टा V, जिसमें P एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं होता। मैं फिर बोल रहा हूँ, P एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं होता, और डेल्टा V यानी V2 माइनस V1। अगर ये केमिकल रिएक्शन है तो P डेल्टा V की वैल्यू डेल्टा NgRT से रिप्लेस हो जाती है। किससे रिप्लेस हो जाती है, डेल्टा NgRT से। तो डेल्टा H की वैल्यू DU प्लस P डेल्टा V, अगर प्रेशर कांस्टेंट है और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, जनरली वो होता नहीं है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू पी वी डेल्टा पी लिखते हैं। तो हम जनरली केस ये लेते हैं, ये रेयर केस है, और डेल्टा H की वैल्यू किसी भी रिएक्शन में क्या होती है, डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। यहाँ Ng का मतलब क्या है, रिएक्शन के अंदर आपके मोल कितने चेंज हुए हैं, यानी आप प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल माइनस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कर लीजिएगा। और ध्यान से रखिएगा, मैंने G लिखा है, यानी सॉलिड और लिक्विड को इसमें कंसीडर नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल, अगर आपको R और T दिया हुआ है, R तो आपको मालूम है गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है, तो यहाँ आपके पास जब बात आ रही है डेल्टा H की, किसकी आ रही है, डेल्टा H की, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। और डेल्टा NgRT निकालते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर 2A कन्वर्ट हो रहा है 3B में, किस में हो रहा है, 3B में, तो 3 माइनस 2 लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 2C भी बन रहा है तो 5 माइनस 2 लिखेंगे, और अगर यहाँ पर लिक्विड लिखा हुआ है तो इसको काट देंगे, 3 माइनस 2 ही लिखेंगे। तो यहाँ आपको डेल्टा Ng निकालना आपके लिए बहुत ही आसान है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, हमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स देखने हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आ रहा है, क्या देखिए,
देखो इस जगह हमारे पास क्या हो रहा है, अगला पॉइंट, आइडियल गैस प्रोसेस। बिल्कुल, ये तो आप अलग ही चैप्टर है, आप मेरी इक्वेशंस भी देख लीजिएगा आइडियल गैस प्रोसेस के लिए हमारे पास क्या क्या है। जैसे एक टेबल हम बनाएंगे, आगे इसी के अंदर हम बात करेंगे एंथैल्पी फेज ट्रांजिशंस। देखिए एंथैल्पी फेज ट्रांजिशंस हम कैसे देखते हैं, तो सिंपल सा है, अगर वेपराइजेशन होता है तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सब्लिमेशन होता है तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशंस, या फिर फ्यूजन हो रहा है यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हम बात करेंगे। इज दैट क्लियर? रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, मैं पहले ही बता चुका हूँ, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी, और किसी भी रिएक्शन के लिए हमारे लिए डेल्टा एन जी आर टी भी हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 क्यों आ रही है वेपराइजेशन में? मान लीजिए ये मेरे पास एच टू ओ लिक्विड है जो कि किस में चेंज हो रहा है, एच टू ओ गैस में। तो आप ही बताइए, लिक्विड को मैंने काटा, क्रॉस कर दिया, डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आएगी, 1 या -1? 1, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी 1 -0, रिएक्टेंट तो है ही नहीं, लिक्विड कट गया जो था, तो हमारे लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो डेल्टा एन जी की 1 वैल्यू 1 आती है, हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी। और कुछ रिएक्शन में फ्यूजन की बात करें, बिल्कुल फ्यूजन की बात करें, अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो डेल्टा एन जी की क्या वैल्यू आ जाएगी, 0। तो उस जगह डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या हो जाएगा, आपके लिए बराबर हो जाएगा। हीटिंग कर्व, अगर हम हीटिंग के कर्व बात करते हैं, क्यू और टेम्परेचर देते हैं, तो देखिए पहले सॉलिड में चेंज हुआ, फिर एक टेम्परेचर फिक्स रहा, आप हीट तो दे रहे हो लेकिन फिर उसके बाद लिक्विड, फिर हीट दिया लेकिन चेंज नहीं हो रहा है, फिर वो गैस में। तो ये जो यहाँ पर वो अपनी सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा था, तो हीट कहाँ जा रही थी, उसकी लैटेंट हीट में, यानी कि स्टेट चेंज करने के लिए यूज हो रही थी। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास बहुत इजी सा कंसेप्ट है कि अगर हीट जा रही है और टेम्परेचर बढ़ा रही है तो सही है, अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है लेकिन हीट फिर भी कंज्यूम हो रही है तो इसका मतलब वो अपनी ही स्टेट चेंज कर रहा है, और ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट कंसेप्ट कहलाएगा। तो लेटेंट इज द रिक्वायर्ड हीट टू कन्वर्ट स्टेट ऑफ मटेरियल। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। चलिए ये क्या है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, एक रिएक्शन हो रही है जिसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस करने के लिए हमें रिएक्शन का बैलेंस करना बहुत जरूरी है, और यही ध्यान रखना कि हमारे पास जितने भी कॉन्स्टेंट आ रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो हमारे को यहाँ निकालना क्या है, यहाँ हमारे पास निकालना है, ये इक्वेशन दी गई है, एक दो चीजें जो आपको बतानी है, एक तो डेल्टा एन जी, अगर सब पे गैस लिखा है तो सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी कर दो, ठीक है, लेकिन जिन जिन पर आपको लिक्विड या सॉलिड है उनको काट दो, बचा हुआ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, मैं पहले भी बता चुका हूँ, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है, और यहाँ पर सिर्फ वही मॉलिक्यूल कंसिडर करने हैं जो गैस है, लिक्विड और सॉलिड को हटा दो, और या फिर डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। फिर पी डेल्टा वी कब यूज करेंगे, जब प्रेशर वॉल्यूम दे रखा है। डेल्टा एन जी आर टी कब देंगे, जब रिएक्शन दी हुई है, खत्म बात। डेल्टा एन जी आर टी में आर क्या रखेंगे, बिल्कुल ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपका, तो आर उसी यूनिट में रखा जाएगा जिसमें डेल्टा एच एंड डेल्टा यू दिया हुआ है। अगर सपोज कैलोरी में दिया है तो 2 किलो कैलोरी में रखा है तो आर की वैल्यू 2 × 10⁻³ किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा। जूल में रखा है तो 8.314 किलो जूल में, तो 8.314 × 10⁻³ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द स्टोइचोमेट्रिक कॉफिशियंट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज नॉट कंसिडर्ड इन कैलकुलेशंस ऑफ डेल्टा एन जी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। स्टैंडर्ड स्टेट, हम बात करते हैं आइडियल गैस, स्टैंडर्ड स्टेट हमारे लिए क्या होती है आइडियल गैस के लिए, 1 bar होती है, प्रेशर और टेम्परेचर कितना होता है, 298, नहीं बिल्कुल सही है, स्टैंडर्ड स्टेट फॉर आइडियल गैस अगर हम बात करें तो 1 bar एनी टेम्परेचर, वैसे तो 298 हम लेते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर। कब, थर्मोडायनामिक्स में, मोल की बात नहीं कर रहा, मोल में 273 होता है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी अपने आप में स्टैंडर्ड नहीं है, चैप्टर के साथ चेंज हो जाता है, बताइए। तो सॉलिड अपॉन लिक्विड में 1 bar प्रेशर और एनी टेम्परेचर, यहाँ इतना टेम्परेचर का नहीं है, सॉल्यूशन के लिए मोलर कंसंट्रेशन 1 होगी और प्रेशर 1 bar होगा। इज दैट क्लियर? आप कहेंगे सर 1 atm पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं है, 1 atm और 1 bar दोनों एक दूसरे के इतना क्लोज है कि आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पहले 1 atm लिया जाता था, आजकल 1 bar करते जा रहे हैं सब धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट, तो अब हम के पास आ रहा है ये एक और बहुत अच्छा पॉइंट है, डेल्टा एच नॉट और डेल्टा यू नॉट आर चेंज इन थर्मोडायनेमिकली फंक्शन ऑफ ए सिस्टम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। बिल्कुल, मैं खुद कहता हूँ कि टेम्परेचर के साथ डेल्टा एच और डेल्टा यू भी चेंज होता है क्योंकि टेम्परेचर का फैक्टर आ रहा था, आपने देखा भी था, लेकिन हम थ्रू आउट द रिएक्शन ये मानते हैं टेम्परेचर जो भी हो कॉन्स्टेंट बना रहे अच्छा है, और हम वास्तव में वेरी भी नहीं कराते।
तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास सेकंड लॉ हमारे पास क्या कह रहा है, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट लॉ की मेरे पास बहुत सारी लिमिटेशंस थी, जैसे ये किसी भी रिएक्शन के होने के ऊपर कमेंट नहीं करता था, होने के बाद ये जरूर कमेंट करता था कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन और उस हीट का वर्क में कितना कन्वर्जन हो सकता है ये भी थोड़ा बहुत बता रहा था, लेकिन ये नहीं बता पा रहा था कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, यानी और ऑल बोला जाए तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन पे कमेंट करने की बात कर रहा हूँ। तो मैं फिर वापस कर रहा हूँ बात अपने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप हो जाए, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिनको बाहर से मदद के बगैर वो अपने आप नहीं हो, जैसे मैंने ये चौक है छोड़ेगा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, बिल्कुल सही है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नीचे जाना स्पॉन्टेनियस है, लेकिन अगर मुझे ऊपर भेजना है तो मुझे बाहर से मदद करनी पड़ेगी, तो ऊपर जाना नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप तो नहीं जाएगी, बाहर से फोर्स लगे बगैर अगर कोई रिएक्शन होती है तो वो स्पॉन्टेनियस, अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो मैं वापस आ रहा हूँ, ए प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, नेचुरल प्रोसेस होते हैं, भैया सही है यार, ऊपर से कई बार हम टूर पर घूमने जाते हैं, देखते झरना गिर रहा है, मजा आ गया, स्पॉन्टेनियस है झरना गिर रहा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा कि नीचे से झरना ऊपर की तरफ जा रहा है, पहाड़ की तरफ पानी चढ़ रहा है, उसमें तो और मजा आता है, लेकिन होता नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो आपकी नजरों के सामने जितने भी प्रोसेस होंगे वो सब क्या होंगे, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस तो होता ही नहीं है, तो सही है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, बिल्कुल यहाँ पर इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं और नेचुरल प्रोसेस भी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं बिल्कुल इरिवर्सिबल, यानी कि एक ही डायरेक्शन में होने वाले, रिवर्सिबल दोनों डायरेक्शन में होने वाले, झरना ऊपर से नीचे आ गया बिल्कुल इरिवर्सिबल है, नीचे से ऊपर भेज के देखो एक बार, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो इन सभी प्रोसेस के लिए हमारे लिए डेल्टा एस सराउंडिंग हमारे लिए क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, सॉरी डेल्टा एस टोटल यानी सिस्टम प्लस सराउंडिंग वो क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। मैं फिर बोल रहा हूँ, डेल्टा एस टोटल यानी सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों मिला के क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, तब जाके आप बोल सकते हो कि उनके लिए आपके पास ओवरऑल प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। इज दैट क्लियर। एस इज द स्टेट फंक्शन, बिल्कुल एस क्या, सारे फंक्शन स्टेट फंक्शन है सिवाय वर्क एंड हीट को छोड़ दो, बिना दिमाग लगाए कर दो, बाकी सारे फंक्शन आपको क्या मिलेंगे, स्टेट फंक्शन। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, किसी भी प्रोसेस में अगर आपको एंट्रोपी चेंज को देखना है तो फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी, यानी उस प्रोसेस में कितनी हीट और कितना टेम्परेचर रहा है उनका रेशियो आपको डिवाइड करना है, और ये जब भी डी क्यू रहा है इसका मतलब इंटीग्रेशन साइन में। आपके दिमाग में एक बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा होगा, सर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने के साथ एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी, मैं कहूँगा बढ़ेगी। आप कहेंगे सर टी तो नीचे आ रहा है तो फिर कहीं की बढ़ रही है, वो तो इन्वर्सली दिख रहा है, नहीं आप देखिए ये इंटीग्रेशन में डी टी है समझना, और डी क्यू जो है उसमें भी टी इन्वॉल्व है। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार और सुनना, ये इंटीग्रेशन में dq by t, और dq is the function of temperature, यानी एक तरह से देखा जाए तो यहाँ हमारे पास dq क्या होता है, एक तरह से ncv dt हमारे पास आता है, यानी dt by t, और dt by t का इंटीग्रेशन 1 by t नहीं होता, क्या होता है ln t, और ln t में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेल्टा s भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये 1 by t नहीं है, ये ln t है। तो इसीलिए जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे कि तो आपके पास ये चीज आएगी, डेल्टा s इक्वल टू ncv ln t2 by t1 plus R N R ln V2 by V1। अब ये बात ध्यान रखना, ये किन्हीं भी दो पॉइंट का के बीच में डेल्टा एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बता रहा है, दो पॉइंट के बीच में डेल्टा एस को। और दूसरी बात, ये क्या बता रहा है, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में, और वो दोनों पॉइंट किसके होंगे, सिस्टम के, सराउंडिंग के नहीं बता रहा। तो ये जो प्रोसेस में डेल्टा एस बताएगा वो सिर्फ सिस्टम की बताएगा, सिस्टम से रिलेटेड सब्सटेंस की बताएगा, सराउंडिंग की एंट्रोपी नहीं बताएगा। तो क्या आप इससे सिस्टम की निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए एलन आपको नहीं मालूम, आपको क्या पसंद आता है, एलन पसंद आता है, नहीं आता, मुझे ही नहीं आता, मुझे क्या पसंद आता है, लॉग आता है। तो लॉग जो होता है उसके लिए बेस क्या होगा, टेन होगा। तो लॉग 10 में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2.303, और फिर उसके बाद आप लॉग 10 बेस 10 ln 2 बाय लॉग, एक बार और मैं बोल रहा हूँ, 2.303 ncv log t2 by t1 plus 2.303 log v2 by v1 आएगा, इज दैट क्लियर, मल्टीप्लाई बाय एन आर भी रहेगा। तो ये फॉर्मूला याद रख लो, ये फॉर्मूला किसके लिए लगेगा, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक सभी प्रोसेस के लिए लगेगा, प्रोसेस पे मत जाओ, क्योंकि डेल्टा एस अपने आप में स्टेट फंक्शन है, किसी भी फंक्शन के लिए लगा सकते हो। हाँ अगर स्पेसिफिक दे दिया जाए कि आइसोकोरिक है तो आप वी टू से वी वन को क्रॉस कर दो, आइसोथर्मल है तो टी टू से टी वन को कर दो क्रॉस, और लॉग वन आएगा, लॉग वन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, तो ये वाली टर्म गायब हो जाएगी या ये वाली टर्म गायब हो जाएगी। लेकिन अगर आइसोबारिक है तो क्या करोगे, तो एक काम करो आप v2 by v1 का क्या मतलब होता है, v2 by v1 होता है आइसो बारिक के लिए, t2
T2 by T1, और T2 by T1 ln T2 by T1 कॉमन ले लो, n कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी वी प्लस आर आ जाएगा, सी वी प्लस आर क्या हो जाता है सीपी, तो आपका पास नेट बनेगा 2.303 n सीपी log T2 by T1, इज दैट क्लियर, या V2 by V1। तो चलिए और बहुत सारी हमारे पॉइंट पॉइंट है, तो ये हमने एंट्रोपी करा। नेक्स्ट एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम इन फेज ट्रांजिशंस, अलग अलग फेज ट्रांजिशन है, डेल्टा आपने इतना तो पढ़ा है मेरे से, डी एस की वैल्यू क्या पढ़ी है डी क्यू बाय टी, और एक और चीज पढ़ी है कि डी क्यू की वैल्यू अलग अलग फेज ट्रांजिशन में अलग अलग होती है, जैसे जैसे क्या, अगर आपका प्रोसेस क्या कहते हैं वेपराइजेशन है, तो ये डेल्टा एच वेपराइजेशन कहलाया जाएगा, इसके अलावा फ्यूजन है तो डेल्टा एच फ्यूजन कहलाएगा, इसके अलावा अगर सब्लिमेशन है तो डेल्टा एच सब्लिमेशन, यानी डी क्यू को डेल्टा एच से रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि फर्स्ट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, और दूसरा मतलब ऑब्वियसली अगर कॉन्स्टेंट होगा तो वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ही होगा, तो जब वेपराइजेशन कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट आएगा, फ्यूजन कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट आएगा, इज दैट क्लियर, और यहां पर 1 मोल के लिए तो ये भी 1 मोल के लिए आएगा, फिर वो उसके बाद कितने मोल के लिए पूछे वो अलग बात है, जैसे सपोज 2 मोल के लिए दिया गया और 2 मोल के लिए ही पूछा जा रहा है, तो आप क्या करो कुछ मत दिमाग लगाओ, यहां पर इतना कर लीजिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 मोल के लिए 2 मोल का आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 मोल के लिए 3 मोल के लिए पूछा जा रहा है, तो जो 2 मोल के लिए दिया गया उसको पहले 1 मोल में कन्वर्ट कर लो, और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 3 मोल के लिए, लेकिन इतने टफ क्वेश्चन मेंस में और नीट में नहीं देखने को मिलते, तो चलिए अगर आपको ज्यादा एडवांस में करने तो मेरे एडवांस की वीडियो भी तो है, उनको भी तो लाइक करना है आपको। नेक्स्ट, तो ये सारे फॉर्मुले हमारे पास हो जाएंगे, फ्यूजन अपॉन टी फ्यूजन पॉइंट, सब्लिमेशन अपॉन सब्लिमेशन पॉइंट, और यहां पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट वेपराइजेशन, तो वेपराइजेशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट इज दैट क्लियर, तो यहां हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है, टीबी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट है, फ्यूजन का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है, इज दैट क्लियर। तो चलिए ऐसे बहुत सारे हमारे पास हो रहे हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है देखिए जानी है, देखिए 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 आ गया आ गया आ गया आ गया। हाँ, तो हमारे पास क्या है, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम फॉर ए केमिकल रिएक्शन, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर एंट्रोपी चेंज करना है, फॉर एग्जांपल दिस, तो हमारे लिए रिएक्शन की एंट्रोपी होती है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो आपको प्रोडक्ट के लिए कैसे करना पड़ेगा, पर्टिकुलर एक सब्सटेंस के लिए दिया जाएगा मोलर सब्सटेंस, ये जो एस होता है ये मोलर एंट्रोपी दी जाएगी, तो मोलर एंट्रोपी को उसके कॉफिशियंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा नॉर्मल एंट्रोपी हो जाएगी, तो सी से मल्टीप्लाई करना है, इसको डी से मल्टीप्लाई करना है, और ये रिएक्टेंट को माइनस करना है, इज दैट क्लियर। तो जितने भी मोल्स प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, तो ये आपके पास एक रिएक्शन की चेंज ऑफ एंट्रोपी आ जाएगी आपके पास। एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग, सराउंडिंग के लिए बहुत ही आसान है, मैंने पहले ही दिया था, वो सारा जो फॉर्मूला था वो सिस्टम के लिए था, सराउंडिंग के लिए तो आपको सिंपल सा है कितनी हीट गई सराउंडिंग को, और सराउंडिंग हमेशा आइसोथर्मल बिहेव करता है, आप 2-3 बम फोड़ दो कोटा का टेम्परेचर कोई चेंज नहीं हो रहा है, सही है ना, तो जो टेम्परेचर आपका सराउंडिंग का रहेगा वही रहेगा, तो सराउंडिंग के लिए हमेशा आइसोथर्मल प्रोसेस रहता है, जबकि सिस्टम के लिए आइसोथर्मल आइसोबायरिक आइसोकोरिक कुछ भी हो, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर और उसको हीट कितनी मिली वो देखना है, लेकिन सराउंडिंग की जो हीट होती है वो सिस्टम की हीट की अपोजिट होती है, अगर सिस्टम की पॉजिटिव हो सराउंडिंग की नेगेटिव, सराउंडिंग की सिस्टम की नेगेटिव है तो सराउंडिंग की पॉजिटिव, सिस्टम की पॉजिटिव तो सराउंडिंग की नेगेटिव, यानी यहां पर मैंने लिखा है माइनस साइन ऑफ सिस्टम, और ये आपके लिए हो जाएगा सराउंडिंग। फेज ट्रांजिशन के लिए बाकी उसके लिए तो हमेशा क्या होगा डेल्टा एच बाई टी, आप दिमाग ही मत लगाओ सराउंडिंग के लिए, और एक और में अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो कुल मिला के रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप देखेंगे कि नेट डेल्टा एच टोटल क्या होता है 0, यानी सिस्टम की अगर आपको मालूम है तो सराउंडिंग की माइनस कर दो, और सराउंडिंग की मालूम है तो आप सिस्टम की उसकी माइनस कर दो, यानी कि एक दूसरे की तरह से उनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे लेकिन उनका साइन सेम नहीं होगा, लेकिन अगर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है तो नेट डेल्टा टोटल क्या होगा, नेट डेल्टा एस टोटल हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कब, जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और जब प्रोसेस रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल का मतलब यहां पर आता है इक्विलिब्रियम में होना, और इक्विलिब्रियम प्रोसेस कभी भी पूरी तरह से नहीं होते, तो वो हमने कर ही लिया, लेकिन अगर स्पॉन्टेनियस है जो होते हैं उनके लिए डेल्टा एस टोटल हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब जो वैल्यू पॉजिटिव है वो बड़ी होगी, सिस्टम की अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो सराउंडिंग से बड़ी होगी, और सिस्टम की अगर नेगेटिव है तो सराउंडिंग की पॉजिटिव होगी और वो बड़ी होगी, तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको दिमाग में बिठा के चलनी है, इज दैट क्लियर। और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में रखें, मैं दोबारा वीडियो और अच्छा बनाऊंगा इसका। नेक्स्ट predictions of sine of delta s not, मैं बता ही चुका हूँ फिर भी बता देता हूँ, डेल्टा एन जी अगर 0 से बड़ा है तो डेल्टा एस
पॉजिटिव होगा। सिंपल सा बात है, अगर किसी भी रिएक्शंस केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं तो एंट्रोपी यानी डिसऑर्डरनेस को भी बताता है, बढ़ेगी बढ़ेगी। तो मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव, और मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं तो डेल्टा एस जो आपके पास सिस्टम है वो क्या होगा, नेगेटिव। तो यही हमें यहाँ पर पता चल रहा है। जबकि नेक्स्ट साइक्लाइजेशन प्रोसेस के लिए टेकन प्रोसेस, अगर कोई हमारे पास इस तरह का प्रोसेस है तो डेल्टा एस हमारे लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा। जैसे क्रिस्टलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि आपके पास क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल सॉलिड में हो रहे हैं और क्रिस्टल में चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर डेल्टा एस सिस्टम क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन ध्यान से रखिएगा डेल्टा एस टोटल हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब डेल्टा एस सिस्टम नेगेटिव है तो इसका मतलब सराउंडिंग पॉजिटिव होगा और वो बहुत बड़ी वैल्यू भी होगी। नेक्स्ट गिब्स फ्री एनर्जी, देखिए सिस्टम और अभी तक हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा सेकेंड लॉ पढ़ा तो इनसे हमारे को कुछ फायदा हुआ, लेकिन एक चीज अभी भी नहीं पता चल रही थी कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन में कमेंट करना चाहे कि वो स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस, तो सेकंड लॉ हमारी हेल्प तो करता है लेकिन बहुत टफ मेथड है। इसके लिए गिब्स ने हमारी मदद की, गिब्स ने अपनी इक्वेशन दी जी इक्वल टू एच माइनस टी एस। ये जी यहाँ पर गिब्स फंक्शन कहलाता है, ये एक स्टेट फंक्शन है जैसे एंथैल्पी और एंट्रोपी भी थे। एच यहाँ पर एंथैल्पी है, टी यहाँ पर टेम्परेचर है और एस यहाँ पर क्या है, एंट्रोपी है। इज दैट क्लियर? तो डेल्टा जी इक्वल टू हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हो जाएगा। और अब हमारे पास ये डेल्टा जी ही हमारे को बताता है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज किसी भी केमिकल रिएक्शन में, और डेल्टा एच उसी रिएक्शन के लिए चेंज ऑफ एंथैल्पी है, टी डेल्टा एस हमारे लिए क्या है, टेम्परेचर है, और डेल्टा एस हमारे लिए क्या है, एंट्रोपी चेंज। अब ये हमारे पास आ रहा है फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, किसके लिए, आइसोबारिक प्रोसेस। और अगर मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि आइसोबारिक भी है और आइसोथर्मल भी है तो अच्छी बात होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टी भी कांस्टेंट लिया है, तो आइसोबारिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रेशर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, भाई ये मैं रिएक्शन के लिए बात करूंगा, रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मोल बढ़ सकते हैं, मोल बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मोल कांस्टेंट रहेंगे तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा, यानी वहां पर वॉल्यूम और मोल का प्रोपोर्शनेट चलता है, यानी अवोगाद्रो रूल चलता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि ऐसी रिएक्शन है जहां डेल्टा एच जीरो है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टी डेल्टा एस, और प्रोसेस इस जगह हमारे को देखना पड़ेगा स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, इस पर हम वर्क करते चलिए। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास एक और पॉइंट आ रहा है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर वो स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी इसका पता कैसे लगेगा, उसके लिए डेल्टा जी जो कि रिएक्शंस के लिए वो ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डेल्टा जी नेगेटिव क्या होगा मैं आपको फिर बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी देखिए, और डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ओवरऑल मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि यहां पर कोई एक स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस के लिए वो होगी नेगेटिव, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए होगी क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? तो अब आपको स्पॉन्टेनियस बनाना है अगर रिएक्शन को तो इन दोनों क्वांटिटी को देखना पड़ेगा। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, सॉरी जो वैल्यू यहां पर, इसको ऐसे लिखिए आप, आपको एक ही लाइन में हो जाएगा डेल्टा एच प्लस माइनस टी डेल्टा एस, और अब इनको मार्क करिए, इन दोनों में से जो वैल्यू नेगेटिव है वो बड़ी होनी चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज, तो अपने आप आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। फॉर एग्जाम्पल अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एच पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो बनेगी वो आपके पास ये क्या हो जाएगी, देखिए ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो जो नेगेटिव है उसको मैग्नीट्यूड वाइज क्या होना पड़ेगा, बड़ा, और बड़ा होने के लिए टेम्परेचर को क्या होना चाहिए, पड़ेगा हाई। तो इस तरह की रिएक्शन आपके हाई टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस और लो टेम्परेचर पर क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। मैंने समझाया, समझ में आया? दूसरी तरफ आप इसको हटा दीजिए, हो सकता है कि ये नेगेटिव है और ये भी इस जगह ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको छोटा होना चाहिए, इसको बड़ा होना चाहिए। तो इसको छोटा होने के लिए क्या होना पड़ेगा, टेम्परेचर क्या होना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, तो कम टेम्परेचर पर ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, लेकिन हाई टेम्परेचर पर करते ही आपके पास पॉजिटिव वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यहां आपके पास एक पॉइंट है, अगर दोनों अपने आप में नेगेटिव है तो आपकी रिएक्शन लो टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होगी, और अगर दोनों पॉजिटिव है तो हाई टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होगी, लेकिन अगर डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि दोनों ही वैल्यू नेगेटिव हो गई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ओवरऑल
ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी ओवरऑल पॉजिटिव मिल गया तो ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो इस तरह से मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। नेक्स्ट, अगर दोनों ही मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है तो डेल्टा जी जीरो हो जाएगा और इस जगह हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम में, ना तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी ना बैकवर्ड में जाएगी। स्पॉन्टेनियस का मतलब जनरली होता है फॉरवर्ड में जाना और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है फॉरवर्ड में नहीं जाना, और अगर प्रोडक्ट दे दिया जाए तो बैकवर्ड में आ जाएगी उल्टा। तो जो रिएक्शन फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस होती है वो बैकवर्ड में नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, और जो फॉरवर्ड में नॉन स्पॉन्टेनियस होती है वो बैकवर्ड में स्पॉन्टेनियस हो जाती है। इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिएगा, अच्छा है, समझदार बच्चे हैं आप। नेक्स्ट, ये सारी चीजें मैंने यहां बताई है। अगर कोई रिएक्शन है और उसके लिए आपको डेल्टा जी, दो तरह के डेल्टा जी डिफाइन है, एक डेल्टा जी नॉट और एक डेल्टा जी रिएक्शंस। क्या मतलब है इसका, बात को समझिए। देखिए आप रिएक्शंस कर रहे हैं, हाँ, तो रिएक्शन पे तो डेल्टा जी वेरी पर करेगा, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होगा, होगा या नहीं होगा, अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग होगा। इस समय अगर आपने अलग अलग प्रेशर की जगह सब स्टैंडर्ड कर दिया, प्रेशर 1 एटीएम, टेम्परेचर 298 और कंसंट्रेशन आपने क्या रख दिया 1 m, तो जो भी डेल्टा जी निकलेगा वो क्या कहलाएगा, डेल्टा जी नोट। इज दैट क्लियर? और अगर एक भी चीज स्टैंडर्ड नहीं है तो डेल्टा जी आपके लिए क्या कहलाएगा, डेल्टा जी रिएक्शन। Is that clear? तो एक तरह से गिवन रिएक्शन के लिए टेम्परेचर प्रेशर और कंसंट्रेशन तो फिक्स हो गई, और फिक्स हो गई तो डेल्टा जी नॉट भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, यानी कांस्टेंट बन जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जबकि डेल्टा जी रिएक्शन स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेरी करेगा, अलग अलग रिएक्शन अलग अलग टेम्परेचर के साथ चेंज होगा। और दोनों में क्या रिलेशन है, डेल्टा जी के बीच में ये रिलेशन है, डेल्टा जी एक रिएक्शन के लिए डेल्टा जी रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी ln Q, Q यहाँ पर रिएक्शन कोएफिशिएंट है, जो कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस का रेशियो होता है विद सुइटेबल पावर, और ये पावर कुछ होती नहीं है, कंसंट्रेशन में उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही होते हैं। आ रही है बात समझ में? तो मैं आपको फिर बताता हूँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी ln Q, और Q यहाँ पर रिएक्शन कोएफिशिएंट है जो कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस होता है। इज दैट क्लियर? तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एन टू प्लस थ्राइस टू फॉर्म्स ट्राइस NH3 है, और मैं चाहता हूं इसके लिए क्या निकालना चाहता हूं, क्यू की वैल्यू निकालता हूं। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट दो हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट, अमोनिया, जबकि रिएक्टेंट कौन सा है, N2 और H2। पावर क्या लगाएंगे, जो कॉफिशियंट है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर 3 है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आप क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, और अलग अलग समय पर अलग अलग कंसंट्रेशन रहेगी तो आपके पास क्यू की वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी। आ रही है बात समझ में? लेकिन इक्विलिब्रियम पर क्यू को हम क्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह सकते हैं, और क्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलने के बाद ही हमारे लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस जगह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डेल्टा जी नॉट, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारे लिए क्यू अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी ln Q की जगह क्या लिख सकते हैं, ln K, और ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। यानी एक और रिलेशन हमें मिल जाएगा इससे कि डेल्टा जी नॉट की अगर हमें वैल्यू दी गई है तो हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, ln Q, यानी K की वैल्यू निकालेंगे, ln K की वैल्यू निकालेंगे, K यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और ध्यान रखना ln में कैलकुलेशन नहीं होती है, तो log में करेंगे आप। नेक्स्ट, एक और हमारे पास आ रहा है, यही पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, फिर दोबारा आ रहा है कि डेल्टा जी बिल्कुल है, डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तरह से माइनस आर टी ln Q। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक या एक से बड़ा है, तो एक से बड़ा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन अगर एक से छोटा है, एक से छोटा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी नेगेटिव, 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 पॉजिटिव, और डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल आप समझ गए, पॉजिटिव। तो चलिए ये एक और बहुत अच्छा, एट द इक्विलिब्रियम द सिस्टम गिव्स फंक्शन इज एट ए मिनिमम वैल्यू, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। और आगे डिफरेंस बिटवीन डेल्टा जी और ये हमारे पास आ रहा है, डेल्टा जी रिएक्शन का नाम क्या है, और ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हैं। ऑल गैसेस एट वन बाथ, ये सब मैं बता चुका हूँ। फैक्टर ऑन विच डेल्टा जी नोट डिपेंड्स, कौन सा होता है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, ये सारे पॉइंट्स हम कर ही चुके हैं। और अब आगे कि डेल्टा जी नोट अगर आप नॉर्मल वे में क्लासीफाई डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो डेल्टा जी होता है यूजफुल वर्क। क्या होता है यूजफुल वर्क, देखिए यूजफुल वर्क में सिंपल सा लॉजिक समझा देता हूँ। डेल्टा जी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा वर्क जो वास्तव में काम आया है। फॉर एग्जांपल आप ध्यान से सुनिएगा, आप पढ़ाई कर रहे हैं 10 घंटे, 24 घंटे में आपने 10 घंटे पढ़ाई की, लेकिन यूजफुल आपके हो सकता है 6 घंटे ही हो। तो अगर आपसे कोई पूछता है स्टडी कितनी है, 10 आवर्स,
यूजफुल स्टडी कितनी है 6 आवर, तो वो इसी तरह से वर्क कितना है 10 जूल, यूजफुल कितना हुआ है 5, 6, 6 जूल है, तो 6 जूल ही आपके लिए क्या हो जाएगा डेल्टा जी हो जाएगा, वो यूज वर्क जो काम कर रहा है वास्तव में काम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास मोटरसाइकिल है, बहुत सारा वर्क जनरेट हुआ, सपोज 100 कैलोरी हुआ, लेकिन पहिए को घुमाने पे जो मेरा उस पर्टिकुलर टास्क था, जो टास्क था वो व्हील को घुमाना था, और उस टास्क में जो यूज हुआ वही मेरे लिए क्या हो जाएगा यूजफुल वर्क। चलिए और आगे आप मेरे डेप्थ में समझ सकते हैं, तो मेरा थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर ऑलरेडी लोडेड है जो बहुत ही ज्यादा अच्छे एडवांस लेवल पे, आपको पढ़ने में और करने में बहुत मजा आएगा, उनको देखिएगा। डिक्रीजेस इन गिब्स फंक्शन, गिब्स फंक्शंस, हीट गिवन आउट टू सराउंडिंग प्लस टी डेल्टा एस, तो यहां हमारे पास टी डेल्टा एस, ये भी हमारे पास एक बहुत अच्छा रिलेशन हो रहा है। आगे तो एक और पॉइंट हमारे पास क्या हो रहा है नेक्स्ट, ये एक बहुत प्यारा है हमारे पास, और ये है प्रोसेस चार्ट, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कच्चा कर्व किस किस के लिए, वो सारी चीजें हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने लिया है फंक्शन, ये आइसोथर्मल कर्व है, कौन सा है ये आइसोथर्मल, तो ये आइसोथर्मल है, आप लिख लीजिए इसके लिए चाहे तो। आइसोथर्मल कर्व के लिए वर्डन कितना होता है माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, यदि आप आइसोथर्मल है तो वी टू बाई वी वन को क्या लिख सकते हैं पी वन बाई पी टू, एल एन आपको, एल एन आपको पसंद नहीं है लॉग ले लो 2.303 लॉग, जो आपको पसंद है वही करिए, वैसे भी लॉग ही में पढ़ोगे आप, एल एन में कहाँ पढ़ोगे, तो सही है ना। तो ठीक है, तो क्यू इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, अगर वर्क और क्यू देखा जाए तो दोनों बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन साइन वाइज क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.303 एन आर टी लॉग वी टू बाई वी वन, तो ये आपके पास हीट हो जाएगा और यहाँ आपके पास क्या था वर्क था, इज दैट क्लियर। और एक और चीज यहाँ, क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो डेल्टा यू और डेल्टा एच दोनों ही क्या होंगे जीरो होंगे, और इसका कर्व कैसा होगा बिल्कुल इस तरह से हाइपरबोला टाइप होगा, क्योंकि पी प्रोपोर्शनल 1/v होता है, तो हाइपरबोला आपको दिखाई देगा इसके अंदर, बिल्कुल समझ गए, वेरी गुड, अच्छी बात है। अब बात करते हैं, हाँ तो बच्चों देखो ये भी हमारे लिए आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन ये आइसोथर्मल हम बात कर रहे हैं इरिवर्सिबल, यानी कि ये रिवर्सिबल है ये इरिवर्सिबल है, और अगर इरिवर्सिबल होता है तो बस कर्व चेंज हो जाता है, आपको लगता है कि ये कर्व ऐसा जाना चाहिए था लेकिन ये ऐसा नहीं जाता, एक ही स्टेप में हो जाता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, रिवर्सिबल वो कर्व होते हैं जो मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं, और इरिवर्सिबल होते हैं जो कुछ ही स्टेप यानी कि एक या दो स्टेप्स में हो सकते हैं। तो फिर एक बार और ध्यान से सुनिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस इनफाइनाइट स्टेप में होते हैं और इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्या बोलना चाह रहे हैं, हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं, ये भी हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है लेकिन ये हमारे पास है इरिवर्सिबल प्रोसेस, और वो हमारे पास है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में यही है कि रिवर्सिबल प्रोसेस इनफाइनाइट स्टेप्स में होते हैं, यानी कभी नहीं होते, हमेशा इक्विलिब्रियम बना रहता है। तो आज तक जितने भी फॉर्मूले पढ़ रहे थे वो किसके लिए थे, रिवर्सिबल के लिए, यानी होते हैं लेकिन इनफाइनाइट टाइम में, जबकि जो जितने भी नेचुरल प्रोसेस है वो सब इरिवर्सिबल होते हैं और कुछ ही स्टेप्स यानी मल्टीपल स्टेप्स में हो जाते हैं, 10, 20, 25, 50, 1 या 2 में भी हो सकते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस एक ही स्टेप में हो गया है, देखो ये यहाँ गया और यहाँ आ गया, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब यहाँ पर जो आपके पास W होगा, W जो होगा वो हम कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे बिल्कुल पाथ के अकॉर्डिंग, और वो पाथ हमारे पास ये हो गया, पहले पाथ ज़्यादा था अब कम हो गया, तो पी डेल्टा वी, पी यहाँ पर क्या लेंगे एक्सटर्नल आउटर यानी फाइनल प्रेशर लेंगे, इनिशियल से कोई मतलब नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर डेल्टा वी, और यहाँ पर हमारे लिए बिल्कुल, क्योंकि आइसोथर्मल है तो डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या होगा जीरो, और हीट की वैल्यू हमेशा W के क्या हो जाएगी अपोजिट साइन की होगी, तो बिल्कुल जो आपके पास W है वही हीट है, बस मैग्नीट्यूड वाइज सेम है लेकिन साइन वाइज अलग अलग है, लेकिन ऊपर वाला रिवर्सिबल है और नीचे वाला इरिवर्सिबल है। तो वर्क डन किसमें ज्यादा मिल रहा है आप ही बताओ, रिवर्सिबल एक्सपांशन में या इरिवर्सिबल एक्सपांशन में, अरे बिल्कुल सही है, ज्यादा एरिया दिख रहा है रिवर्सिबल में, तो इसका मतलब रिवर्सिबल में आपको ज्यादा वर्क डन मिलेगा, लेकिन इतना मान के चलिएगा 100% रिवर्सिबल हो ही नहीं सकता, जितनी ज्यादा स्टेप्स में प्रोसेस होगा उतना ही ज्यादा रिवर्सिबल होगा, इज दैट क्लियर। आगे अब बात करते हैं एडी, कौन सा बात करें प्रोसेस, हमारा नेक्स्ट प्रोसेस हो रहा है वो है आइसोबारिक। आइसोबारिक ऐसा प्रोसेस है जो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल नहीं होता, क्योंकि वो तो होता ही थ्रू आउट द सेम प्रेशर में, इज दैट क्लियर। तो यहाँ हमारे पास जो वर्क डन हो रहा है पी एक्सटर्नल यानी माइनस पी डेल्टा वी, पी यहाँ पर एक्सटर्नल है डेल्टा वी वी टू माइनस वी वन है, और यहाँ जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है वही हीट को रिप्रेजेंट करता है और उसकी वैल्यू हो जाती है एन सी वी डेल्टा टी। तो अगर आपके पास और डेल्टा यू क्या होता है एन सी वी डेल्टा टी, तो हीट की वैल्यू एन सी पी डेल्टा टी
एन सी पी डेल्टा टी और डेल्टा यू की वैल्यू एन सी वी डेल्टा टी, ये तो हमारे हमेशा ही होंगे भले प्रोसेस कोई सा भी हो, लेकिन क्यू डेल्टा एच कब कहलाता है, जब प्रोसेस कौन सा हो, आइसोबारिक हो। अगर प्रोसेस आइसोबारिक नहीं होता तो ये फॉर्मूला तो सेम रहता, ये वाली चीज तो सेम रहती, बस ये चीज अलग हो जाती। ओके और इसको निकालने के लिए आपको डेल्टा यू में से डब्ल्यू को माइनस करना होता, लेकिन यहां अगर आइसोबारिक है तो आपको ये निकालना के लिए डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, डेल्टा एच लिख सकते हो, एनसीपी डेल्टा टी कर सकते हो। तो चलिए बहुत अच्छा पॉइंट है, और यहां पर प्रेशर आपके लिए क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी, और डेल्टा वी और पी मतलब यहां पर आता है माइनस पी डेल्टा वी, यानी डब्ल्यू और डेल्टा वी अपोजिट साइन के होते हैं, ये तो आपको दिमाग में रखना ही है। अब लास्ट आ रहा है हमारे लिए, एक हो रहा है फ्री एक्सपांशन, कैसा हो रहा है फ्री एक्सपांशन, तो फ्री एक्सपांशन में आपके लिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, बिल्कुल जीरो। ये फिलहाल अभी फ्री एक्सपांशन नहीं ले रहा मैं, ये है हमारे लिए आइसोकोरिक, आइसोकोरिक के लिए भी डब्ल्यू जीरो होता है, क्यू डेल्टा यू बराबर होते हैं एनसीवी डेल्टा टी, डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी, डेल्टा एच एनसीपी डेल्टा टी। देखो मैंने क्या बोला था आपसे कि डेल्टा एच का फॉर्मूला तो हमेशा एनसीपी डेल्टा टी होगा भले ही प्रोसेस कुछ भी हो, लेकिन इसको यहां पर क्यू नहीं बोल सकते, इस जगह क्यू किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेल्टा यू को, आ रही है बात समझ में। और अगर प्रोसेस फ्री एक्सपांशन है यानी एक्सपांशन अगेंस्ट स्पेस यानी कि वैक्यूम, वैक्यूम में करेंगे या स्पेस में करेंगे आप, तो आपके लिए जहां पर पी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो आप खुद ही सोच लीजिए जब एक्सटर्नल प्रेशर ही जीरो है तो वर्डन क्या हो जाएगा, जीरो। और इस जगह जनरली अगर क्लोज सिस्टम है तो आपके लिए हर चीज ही जीरो होती जा रही है, देख लीजिएगा यहाँ पर। लेकिन अगर क्लोज होने मतलब स्पेस में भी कर रहे हैं और आपने एक्सपांशन भी किया और साथ में अगर ऐसी वॉल लगा दी जो एक तरह से इंसुलेटिंग मटेरियल की है तो हर चीज जीरो, आप दिमाग में बिठा के चलिए। इस जगह तो क्योंकि क्यू जीरो और डब्ल्यू जीरो तो डेल्टा यू भी जीरो, और डेल्टा यू जीरो तो डेल्टा टी भी जीरो, डेल्टा टी जीरो डेल्टा यू जीरो सब चीजें जीरो, इज दैट क्लियर। लेकिन अगर इंसुलेटिंग मटेरियल की नहीं है तो क्यू फिर जीरो नहीं होगा, फिर क्यू जीरो नहीं होगा तो डेल्टा टी भी जीरो नहीं होगा, डेल्टा यू भी जीरो नहीं होगा, सिर्फ डब्ल्यू जीरो रह जाएगा, किसमें, फ्री एक्सपांशन में, इज दैट क्लियर। अब बात आती है यहाँ पर एक और प्रोसेस हमारा इंतजार कर रहा है, उसका नाम है हमारा आइसो सॉरी एडियाबेटिक। एडियाबेटिक हमारे पास हो रहा है, एडियाबेटिक में भी हमने दो तरह के लिए, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, यानी रिवर्सिबल इनफाइनाइट स्टेप्स में तो आपका कर्व कैसा जाएगा, इस तरह से जाएगा, जैसे जाते वैसे ही आता है रिवर्सिबल में, और इरिवर्सिबल के अंदर सिर्फ ऐसे जाता है इरिवर्सिबल, यानी ये ऐसा लगता है कि ये एडियाबेटिक नहीं है तो आइसोबारिक है, लेकिन कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस हो एक ही स्टेप में हो रहा है इसलिए प्रोसेस ऐसा दिखाई देगा। तो फॉर्मूले में क्या चेंज हो चुका होगा, इस जगह फॉर्मूले में वर्डन होगा एन सी वी डेल्टा टी यानी पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन, यहाँ गामा पॉइजन रेशियो है जिसकी वैल्यू सी पी बाय सी वी होती है, क्यू की वैल्यू क्योंकि एडियाबेटिक है जीरो होता है, पी वी गामा कॉन्स्टेंट को फॉलो करता है, या फिर पी को रिप्लेस करो टी से तो टी वी की पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट होता है, या फिर अगर आप इस जगह पी को कॉन्स्टेंट करते हो तो टी पी वन टी पी पी की पावर वन माइनस गामा अपॉन गामा की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है। ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा यू की वैल्यू एनसीवी डेल्टा टी होता है और डेल्टा एच की वैल्यू एनसीपी डेल्टा टी होता है। तो क्या इसमें डेल्टा टी जीरो होता है, नहीं होता। क्या इसमें डेल्टा यू डेल्टा एच जीरो होते हैं, जब डेल्टा टी जीरो नहीं है तो कोई भी चीज जीरो नहीं है, सिर्फ एक ही चीज जीरो है और वो है क्यू। इसका मतलब डब्ल्यू और डेल्टा यू बराबर होंगे, डब्ल्यू और डेल्टा यू बराबर होंगे तो डेल्टा यू मिल जाएगा, और डेल्टा यू मिल जाएगा तो डेल्टा एच आपके लिए निकालना बहुत आसान है, इज दैट क्लियर। लेकिन अगर ये प्रोसेस इरिवर्सिबल हुआ, सिंगल स्टेप्स में हुआ ऐसा देखने के लिए, तो डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास क्या होगी, फिर तो आपके पास आराम से निकालेंगे पी, आप क्या निकालेंगे, माइनस पी डेल्टा वी, या फिर आप क्या निकाल सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी, ये आप कर सकते हैं, लेकिन वो आपके पास इरिवर्सिबल के लिए अंदर होगा। लेकिन अगर कोई पॉलीटॉपिक है, मैं चलिए पॉलीटॉपिक क्या होता है भाई, पॉलीटॉपिक वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर जिसका कोई नाम नहीं है, जैसे किसी का नाम नहीं होता तो उसका क्या बोलते हैं, अनामिका। तो अगर कोई भी फंक्शन कर्व आ रहा है जिसके पास कोई भी नहीं है, जैसे मैंने ऐसा रैंडमली ले लिया, तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीटॉपिक। अब ये ना आइसोथर्मल है ना आइसोबारिक है, तो इनके लिए कर्व के लिए वर्डन कितना होता है, पी टू पी वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन एन माइनस वन आता है, नीचे की तरफ मैं ले रहा हूँ पॉलीटॉपिक के लिए। तो ये हमारे लिए पॉलीटॉपिक है, हीट की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, हीट की वैल्यू आपके पास ये होगी, या आप एक काम करो डेल्टा यू निकालो एन सी वी डेल्टा टी करके, और डेल्टा यू में से डब्ल्यू माइनस करो तो क्या क्यू आ जाएगा, या फिर आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो ये आपकी मदद करेंगे पॉलीटॉपिक के लिए, इज दैट क्लियर। तो ये सारा पॉइंट बहुत अच्छा है, यहाँ पर आपके पास कुछ चीज़ें मिस थी, जैसे क्यू क्या होगा, भले ही प्रोसेस कोई सा भी हो, रिवर्सिबल क्यू इरिवर्सिबल, क्यू तो हमेशा ही जीरो होगा, और बाकी आप W निकाला तो डेल्टा H निकालना आपके लिए आसान होगा, माइनस कर लेना, और डेल्टा H अगर आपके पास आ गया तो डेल्टा U आ गया तो डेल्टा H आपको मालूम है क्योंकि दोनों का रेशियो गामा होता है, किसका, डेल्टा H अपॉन
डेल्टा यू का, तो गामा आपको मालूम पड़ जाता है कि गामा दिया जाता है क्वेश्चंस के अंदर, या सीपी बाय सीवी करके भी निकाला जा सकता है। तो ये आपके पास कुछ छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो थर्मोडायनामिक्स को बहुत क्लियर करती है। डेप्थ में पढ़ने के लिए आपके पास मेरे पास पुराने मेरे पास दूसरे वीडियोज़ हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अच्छे कमेंट्स करिए, और अगर आपको कुछ व्यूज़ देने कि स्पीड से रिलेटेड या कुछ भी चीज़ को लेके या कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप मेरे को बता सकते हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आ रही है तो परेशान मत हो, मेरे दूसरे वीडियोस आपका तैयार है। और अगर आपको ये अच्छा लगता है इस तरह के रिविजन वाले वीडियोज़ तो आप अच्छे कमेंट्स करेंगे, मैं और बनाऊंगा, नहीं तो मैं यहीं छोड़ दूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं आ रहा आपकी फालतू फिर और ज़्यादा आपको परेशान करने का। ठीक है, तो ओके, धन्यवाद, आप लाइक और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।